हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग आईआईटी जैम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं आईआईटी जैम 2022 का एग्जाम पोस्टपोन अभी भी हो सकता है। वो क्या बातें हुई हैं मैं बताता हूँ आपको, जो कुछ लोगों ने किया है, क्या क्या किया है, किस वजह से अभी भी पोस्टपोन हो सकता है एग्जाम, मैं बताऊंगा। बट मैं वीडियो वो करने से पहले मैं फिर भी आपको एडवाइस दूंगा, भाई पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये वीडियो सिर्फ हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, बट हमारा ये मकसद नहीं है आपको कि आप लोग पढ़ाई बंद कर दें या किसी प्रकार का भी किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो, ये हमारा कोई भी वो नहीं है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको एक जानकारी हो। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं आप पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो चलिए बात करते हैं आईटी जैम 2022 क्यों पोस्टपोन हो सकता है उस पर। तो चलिए मैं अगर आपको बता दूं, जैसे कि आईटी जैम आईआईटी रुड़की करा रहा है, गेट का एग्जाम भी आईआईटी खड़गपुर करा रहा है। हालांकि गेट का एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए बहुत चीज़ें हुई हैं। अगर गेट का एग्जाम पोस्टपोन होता है तो बहुत प्रॉबिलिटी ऐसी है कि आईटी जैम का भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। अब लग तो रहा है कि भाई गेट 2022 का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि एमएचआरडी तक बात पहुंच चुकी है, भाई सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंच चुकी है। देखिए मैं आपको एक एक पढ़ के बताता हूँ क्या क्या हुआ है और बच्चे क्या क्या परेशानियां फेस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये एक लेटर सबमिटेड टू किरण रिजू सर अवर बिलव्ड गुरुजी रिगार्ड्स गेट 2022 पोस्टपोन, द लेटर विल बी फॉरवर्डेड टू एमएचआरडी ऑफिस। देखिए लेटर जो एमएचआरडी ऑफिस क्या कर दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया है। और कई लेटर ये देखिए ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को भी भाई लेटर दिया गया है, ठीक है। और देखिए क्या दिक्कत क्या क्या आ रही है मैं बताऊं। एक तो सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बता दूं, जैसे गेट 2022 का जो एग्जाम है या आईटी जैम 2022 का जो एग्जाम है, इनकी जो ऑफिशियली ईमेल है या जो नंबर्स हैं उस पर ये कोई भी कॉल उठा नहीं रहे हैं और कोई भी ईमेल का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। देखिए एक बच्चे ने लिखा भी है, इट डजंट मैटर वेदर आईटी खड़गपुर विल पोस्टपोन गेट एग्जाम और नॉट, बट नॉट रिप्लाइंग टू ईमेल्स एंड फोन कॉल्स टोटली अनप्रोफेशनली। हम लोग भी लगातार डेली कॉल और मेल कर रहे हैं, वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि अन अकेडमी भाई आईआईटी जैम 2022 के लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहा है जो कि भैया 2 फेब से स्टार्ट है, ठीक है। उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और सही समय पर सही गाइडेंस और बहुत अच्छी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आप इसका सब्सक्रिप्शन तुरंत के तुरंत ले लें। आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप विवेक के 10 कोड का अगर आप यूज़ करते हैं, विवेक के 10 कोड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत के तुरंत इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 फरवरी से पहले पहले तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो इसका रेट था वो 12,375 रुपये था, तो वो कितने में हो जाएगा, 9,900 में, आपके 2,475 बच जाएंगे। इसी तरीके आप ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3,600 रुपये आपके बच जाएंगे। तो अभी के अभी इसका सब्सक्रिप्शन ले लें, मैं सारे लिंक दे दूंगा। और ये नंबर दे रखा है मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं नंबर दे रखा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत के तुरंत इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही मैं आपको बता दूं, देखिए इसने लिखा है, एक स्टूडेंट है वो केरला में है, उसने लिखा संडे रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू इन केरला, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी अवेलेबल, हाउ डू वी रीच अवर सेंटर ऑन द टाइम। क्योंकि क्या वो संडे को वहाँ पे अभी भी कोविड का रिस्ट्रिक्शंस है, कोई भी व्हीकल है नहीं, तो वो बेचारी कैसे पहुँचेगी। और कई स्टूडेंट का ऐसा भी रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको कोविड है तो वो कैसे एग्जाम देगा, ये सारी बातें आ रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एग्जाम से पहले ये सब बातें ध्यान रखें और अपना कोई ना कोई रास्ता पहले से ही बना ले। हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा पोस्टपोन हो सकता है, बट पोस्टपोन हो भी नहीं सकता ये भी एक बात है, ठीक है। तो पढ़ना आप बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी तैयारी में लगे रहें। हम ऐसी आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से मेहनत करें,
हाँ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और इसी तरीके की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।